तो भाई आप सभी का स्वागत है हमारे ऑटो ड्रीम कैसेज में। और दोबारा से हम लेके आ गए स्कॉर्पियो N Z4 मॉडल लेके आए भाई इस बार, क्योंकि Z4 मॉडल है एकदम, देख सकते हो भाई एकदम ऑटोमेटिक के अंदर रहने वाला है। और भाई इसके अंदर भी अपन ने बेस से लेके, मतलब बेस तो नहीं है, सेकंड बेस मॉडल है, पर टॉप मॉडल वाला काम कर दिया भाई इसके अंदर। तो संदेश भाई ऊपर का काम हुआ भैया, टॉप से ऊपर वाला काम हुआ है भाई। तो संदेश भाई और कार्तिक भाई भाई दोनों जुड़ चुके अपने साथ, दोनों मिलके बताएंगे भाई क्या क्या काम हुआ और कैसे कैसे काम हुआ है। तो संदेश भाई पूरा मना दिए एकदम, पूरा माफिया लोग है, साइड प्रोफाइल दिखाया था भाई एक बार, जरा चेक कर लो जरा एकदम, कुछ तो डिफरेंस लग रहा होगा इस गाड़ी में जरा। अगर आपको नहीं पता चल रहा ना तो भाई हमारे संदेश भाई बताएंगे ढंग से कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। तो संदेश भाई स्टार्ट कर दो क्या क्या चीज़। पहले अपना मोस्ट डिमांडेड चीज रहने वाली है महिंद्रा जेन्युइन फॉग लाइट, DRL के साथ रहता है, फॉग लाइट भी रहता है जेन्युइन स्विच ऑन करके, ठीक है। उसके बाद इसमें सेंसर भी इंस्टॉल किया हमने, वो भी महिंद्रा जेन्युइन का रहने वाला है, ठीक है। सेंसर आगे का रहता है, बाई चांस ड्राइव करने में बहुत दिक्कत होती है तो सेंसर भी लगा, सेंसर लगा, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें हेडलाइट की, तो हाई पावर LED डली है, 180 वाट लो बीम, 180 वाट हाई बीम का। इसका भाई क्या मतलब कि सिस्टम बैठता है भैया, 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है ऑन काउंटर, कहीं भी हो आप अगर दूर के हो एक कॉल करो, पहले मैं LED भेजूंगा, आप रिप्लेस कर लो, सेटिस्फाइड हो उसके बाद आप मुझे दूसरा, मतलब अच्छा मतलब कि मेरे को पहले नहीं भेजनी है, भेजनी है पहले आप भेजोगे हमारी रहेगी, ठीक है भाई। ये तो बहुत बढ़िया काम बताया आपने भाई। उसके बाद बात करें तो अपना 7 पीस का क्रोम लगा है, ग्रिल क्रोम लगा है, ठीक है ठीक है। उसके बाद ग्रिल पियानो भी ब्लैक हुआ है, ब्लैक हुआ है एकदम, अपना एकदम हाइड्रो ड्रिप रहने वाला है भाई। इसकी क्वालिटी मैं दिखाता हूँ, ये देखो जरा, देख रहे हो कितना एकदम मिरर की तरह फिनिश होगा भाई, एकदम एकदम मिरर की तरह। और जरा नीचे आते हैं भाई, नीचे की बात करें तो ये सारी चीज जो आती है अपना मैट में आती है, मैट में नेपोलियन ब्लैक बॉडी कलर से मैच करके किया है। बात करें स्किप प्लेट की, स्किप प्लेट भी मैट आती है, मैट आती है। बाकी गाड़ी में हम सिल्वर करते हैं, इसको ब्लैक बनाए हैं तो इसको भी ब्लैक में। तो मतलब कि ये एक जो चीज़ थी ना जो सबसे यूनिक बनाई थी गाड़ी को हर गाड़ियों से, वो ये था भाई कि सब कुछ इसके अंदर ब्लैक है, बस एक क्रोम का पार्ट आप फ्रंट का देख सकते हो, देखने में अच्छा लगता है लुक, बस क्रोम लगाया, बाकी देख सकते हो भाई पूरा ब्लैक एकदम। साइड प्रोफाइल में आते भाई, साइड प्रोफाइल में बात करें तो 17 इंची की अलॉय लगी है जो कि स्टॉक टायर में ही इंस्टॉल हो जाती है, स्टॉक टायर में इंस्टॉल होती है भाई। 17 इंची का टायर अपने 18 इंच भी अवेलेबल होते हैं, एनी टाइम, ठीक है भाई। तो और साइड में आते तो साइड क्लाइडिंग बोलते हैं, व्हीलर्स बोलते हैं इसको, हाँ जी हाँ जी, व्हीलर्स भी मैट आती है, इसको भी हम नेपोलियन कलर बॉडी कलर भाई। इसमें कोई डिफरेंस बताओ मेरे को, तो पहले ना ढंग से साफ कर देता हूँ और मेरे को डिफरेंस बताओ भाई, ये देखो मतलब कि मेरी तक शक्ल दिख रही होगी, मेरा फोन भी दिख रहा होगा भाई, इतनी क्लियर है भाई, ये देख लो, नीचे भी देख सकते हो ऊपर भी देख सकते हो भाई। तो भाई इस लेवल का काम, इस लेवल की फिनिशिंग होती है अपने वाली दुकान अपने पे, दुकान पे ऑटो ड्रीम पे होती है भाई। बाकी मार्केट में बाजार काफी है, पर जो ये जो फिनिशिंग है ना ऐसे चेक करना भाई कि जो भी फिनिशिंग होती है वो ऐसे होती है। साइड में आ जाते भाई, और अपना साइड में आते तो ऑटो फुल मिरर है जिसमें एडजस्टमेंट आती है, भैया ने फुल की उतनी जरूरत नहीं है, अच्छा फुल नहीं करवाया, वैसे अपनी दुकान पे होता है, होता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ठीक है भाई। कस्टमर नहीं करवाया, बाकी अपनी दुकान पे ऑटो फुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और नीचे आते तो साइड क्लाइडिंग की बात करें तो साइड क्लाइडिंग भी अपना हुआ है, ठीक है एकदम ग्लॉसी है बॉडी के साथ, ठीक है। फुटरेस्ट में लगाया महिंद्रा जेन्युइन का फुटरेस्ट लगा, क्योंकि Z4 में आता नहीं है, Z4 में आता नहीं है, ठीक है भाई। और साइड प्रोफाइल में आते भाई, हैंडल की बात करें तो हैंडल अपना आता ही है ब्लैक कलर का, ठीक है। विंटो गार्निश इंस्टॉल किया है जो कि फोर पीस रहने वाला रिप्लेसमेंट पार्ट, और लास्ट का 2 पीस जो है पेस्टिंग आइटम है। उसमें भाई डिफरेंस क्या आता है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये डिफरेंस देख सकते हो भाई। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ग्लॉस ज़्यादा है और इसमें ग्लॉस कम है, तो ये मत बोलना भाई कि ये लोकल पार्ट लगा रहे हो, सब महिंद्रा का जेन्युइन है, एसेसरीज में आती है, रिप्लेसमेंट पार्ट में आता है, इसीलिए भाई तो डिफरेंस दिखता है थोड़ा बहुत, और ये दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है भाई। बात करें तो अपना गैलियो का डोरवाइजर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, जो कि बैजिंग के साथ, स्कॉर्पियन की बैजिंग के साथ आती है। तो भाई गैलियो कंपनी की पहचान ही होगी कि स्कॉर्पियो N की बैजिंग आएगी, N रेड कलर में होगा, और अगर सिंपल होगा तो उसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। वैसे रूफलर की बात करें तो रूफलर इसमें ब्लैक ही आती है, ब्लैक ही आता है, तो कस्टमर ने नीड नहीं थी क्योंकि उनको एकदम ब्लैक चाहिए था, ठीक है भाई। तो पीछे आते भाई एकदम, बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में अपना बंपर सारा ब्लैक मैट में आता है, जिसको हमने पूरा ग्लॉस कर दिया, ग्लॉस में किया है, स्किप प्लेट भी ग्लॉस किया है, ठीक है। महिंद्रा जेन्युइन का अपना लगा है, अच्छा ये महिंद्रा जेन्युइन का रहने वाला है, महिंद्रा जेन्युइन का रियर गार्ड भी है और बाकी अदर ब्रांड के भी मिल जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद इसमें कैमरा इंस्टॉल हुआ है, ब्लो पंखा DA05, ठीक है, स्पॉइलर और वाइपर इसमें लगी हुई है, लगे हुए आते हैं, अपने पास अवेलेबल है, लग जाएगा, ठीक है भाई। तो मोटा मोटी भाई जितना मेरे को लग रहा है अपन ने पूरा एक्सटीरियर कवर कर लिया है, तो भाई एक्सटीरियर अपन ने पूरा कवर कर लिया जैसा कि आपने दिखाया है भाई। तो ये पूरा हो गया, बेस टू टॉप वाला सिस्टम हो गया, ये तो सिस्टम अंदर से इंटीरियर और एक्सटीरियर इसका दोनों चेंज हुआ है। तो भाई अपन एक बार अब इंटीरियर दिखा दे, क्योंकि इंटीरियर में क्योंकि हम कुछ ज्यादा तिगड़म करने लग गए हैं आजकल, नाम चलने लग गया भाई, क्योंकि हर कोई बंदा आता है वो बोलता है भैया सर हमने आपकी वीडियो देखी, इंटीरियर हमको ऐसा ही चाहिए,
तो एक बार इंटीरियर की फिनिशिंग और वर्क दिखाया था कैसा इंटीरियर हुआ है भाई। तो फटाफट से भाई संदेश भाई दिखा दो, टाइम मत लगाओ। तो कार्तिक भाई इंटीरियर दिखा दो भाई, किसका वेट कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया भाई। देखिए ये कैसा अपना इंटीरियर भाई, इंटीरियर जरा चेक करो भाई, पूरा प्योर व्हाइट इंटीरियर हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। फिनिश और लेवल ऑफ वर्क देख सकते हो भाई कैसा हुआ है, ये जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। और ये जो एम्बियंट लाइट देख रहे हो भाई ब्लू कलर की, बहुत मतलब कि चार चांद लगा दिया भाई इंटीरियर के, इंटीरियर में इसने भाई। तो भाई अंदर बैठ के मैं ढंग से बताता हूँ प्रॉपर कि क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो फटाफट से अंदर बैठते हो, फटाफट से बताता हूँ क्या क्या काम हुआ भाई। तो भाई ऐसा कुछ लुक आएगा भाई, देख सकते हो भाई कितना प्रीमियम लग रहा होगा, मतलब कि कोई भी आदमी बैठेगा ना संदेश भाई तो वो तारीफ ही करेगा भाई, क्योंकि गाड़ी ऐसी बना दी आप लोगों ने भाई। भैया वही हमारे यहाँ कस्टमर जो आते हैं, जो दूरी तय करके आते हैं, हाँ जी हाँ जी, लगते हैं उस गाड़ी में बैठे हैं, जाने के टाइम उनको ये फील नहीं होता भाई किस गाड़ी में जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा उनको दूरी, पता नहीं चलेगा भाई, मतलब कि देख रहे हो भाई एकदम, मतलब कि ना आपको वाइब इतनी अच्छी आएगी ना देखकर, मजा आ जाएगा भाई। तो संदेश भाई स्टार्ट कर दो भाई, कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ भाई। पहले अपना मोस्ट डिमांडेड चीज आती है सॉफ्ट टच, जिसका लाइनिंग और फिनिशिंग आप चेक करो भैया। हाँ भाई एकदम स्ट्रेट फिनिशिंग सबसे पहले रहती है, उसके बाद अपना इस पे भी कपड़ा चढ़ा है, हार्ड टच रहने वाला है, पेंट नहीं हुआ है, कपड़ा चढ़ा है, कपड़ा चढ़ा है भाई। जैसे कि देख सकते हो भाई ये टेक्सचर देखो जरा, एक बार ये टेक्सचर देख लिया आपने, अभी ऊपर टेक्सचर देखो, दिख रहा है एकदम सेम। तो भाई ये पूरा अपना रहने वाला है कपड़ा, कपड़ा रहने वाला है, डिफेंडर में रहने वाला है, डिफेंडर ऑस्ट्रेलियन, ये दो तीन कपड़ा इस पे चपकता है, बाकी कपड़ा नहीं। अच्छा ये नाम है अपना, हाँ जी भैया, ठीक है भाई। तो ऐसे नाम के होते हैं भाई कपड़े, देख लो भाई, कोई कल को कोई सोचे भाई ये सोफा लेमिनेशन लगा दी, ये वो सब नहीं है। सोफा लेमिनेशन अपना वो जिसमें सीट कवर खाली लगते हैं, डोर पे सोफा लेमिनेशन नहीं लगते हैं, डोर पे सोफा लेमिनेशन नहीं लगता, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ आएगा भाई, और आगे आ जाते हैं भाई, आगे की बात करें तो अपना इसमें एम्बियन लाइट लगा है, K3 रहने वाला है, जो कि 7-8 कलर का आता है, चेंज रहता है, स्विच भी मिल जाएगा, ऐप इंस्टॉल भी करवा देंगे। उसके बाद बात करें तो स्विच प्लेट भी अपना चेंज हुआ है, महिंद्रा जेनुइन का रहने वाला है रिप्लेसमेंट पार्ट, और स्विच भी चेंज हुआ है, जो भी महिंद्रा का जेनुइन, ये भी महिंद्रा जेनुइन रहने वाला है। उसके बाद इनर हैंडल की बात करें, इसके अंदर का कवर का बात करें तो ये पेंट हुआ है, हाई ग्लोसी ब्लैक हुआ है, और ग्रैब हैंडल भी इसका हाई ग्लोसी ब्लैक हुआ है, हाई ग्लोसी ब्लैक, हाँ जी, मतलब कि अपना डिप पेंट रहने वाला है, डिप पेंट रहने वाला। अगर चाहे तो अपना महिंद्रा का जेनुइन मिल जाएगा, ग्रे कलर वाला जेनुइन भी लगवा सकते हो, जेनुइन भी लगवा सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद अपना ए पिलर तो इसमें आता ही है, किसी भाइयों को चाहिए तो लगवा सकते हो, ए पिलर भी लगा सकते हो, टू में लगवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद डैशबोर्ड की बात करें तो सॉफ्ट टच भैया चेक करो, ये है सॉफ्ट टच, ये देख रहे भाई, उसे भाई एक बार उंगली दबा के रखो, एक बार ये देखो, दिख रहा है वो उंगली जो ऐसे दबी भी दिख रही है ना भाई, इसको बोलते हैं सॉफ्ट टच। अगर कपड़ा खाली चढ़ा दिए ऐसा कुछ काम नहीं है भाई, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट टच। कोई बोल रहे ना भाई मैं सॉफ्ट टच करके दूंगा, तो भाई टेस्ट ऐसे ही करना है आपको, उंगली डाल के देखना, ऐसे लगना चाहिए भाई अंदर पैडिंग या फोम हो रखा या नहीं, ठीक है। बहुत सारे बंदे सॉफ्ट टच नहीं करते, हार्ड टच कर देते, क्योंकि यहाँ डैशबोर्ड उनके खोलने में कम मेहनत पड़ती है, लेबर कम लगती है, इसलिए बूस्टिक लगा के वो घुसेड़ देंगे, पूरा घुसा देते भाई। तो भाई ऐसा कुछ दिखेगा, और एम्बिएंट लाइट के साथ देख रहे हो भाई, मतलब की चार चांद लगाते हैं भाई, एम्बिएंट लाइट तो मस्ट है भाई, मेरी तरफ से तो मस्ट है भाई। करवाते होते भैया एम्बिएंट लाइट लगवाओ, और इंटीरियर नहीं करवाते हो तो हर एक गाड़ी में अभी एम्बिएंट लाइट चल ही रहा है। तो भाई ये लगवा लो, इससे भाई चार चांद आ जाते हैं गाड़ी के अंदर भाई। और भाई अपना आर्मरेस्ट चेक कर सकते हो भाई, चेक करो भैया सॉफ्ट टच, ये भी भाई, ये एक बार खोलो भाई, इसमें सॉफ्ट टच ऐसे नहीं पता चलता, खोल के दिखाओ, ये देखो भाई फिनिशिंग ऊपर, बोल नहीं सकता ऐसे, बाहर से बंदा काम करवाया है भाई, इसको बोलते फिनिशिंग ऊपर। अभी तक गाड़ी घर भी नहीं गई है, घर जाएगी, बोलेंगे भैया कंपनी से ही लेके आए हैं, मतलब कि भाई ऐसे पता नहीं चलता कि कैसे क्या काम कर देते हो भाई, मतलब कि कंपनी फिटिंग और बाहर से आफ्टर मार्केट पता नहीं चलता यार, ये तो क्या मतलब है भाई। ये उसके बाद अपना ग्लोसी ब्लैक कंसोल हुआ है, ठीक है भाई, और दोनों पक्षों में भी हम सॉफ्ट टच कर देते हैं भाई, ये चीज देख रहे हो, छोटी सी चीज है पर ये सब भी अपना पूरा, मैं अपना कपड़ा लगाया पूरा प्रॉपर अपन, ठीक है भाई। अपना इंफोटेनमेंट के रिलेटेड कुछ काम हुआ भाई? नहीं भैया, कुछ काम नहीं हुआ भैया, को ज्यादा साउंड लाउड साउंड का शौक नहीं है, शौक नहीं था इसीलिए कुछ काम नहीं हुआ। बाकी अपना स्टेयरिंग देख सकते हो भाई, स्टेयरिंग देख सकते हैं, मीटर फ्रेम भी अपना पियानो ब्लैक, मीटर फ्रेम भाई पियानो रखा है जैसे कि आप देख सकते हो भाई। स्टेयरिंग देखो यार, देख रहे हो स्ट्रेचिंग, देख रहे हो आप एकदम स्ट्रेट, ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी होना भाई, संदेश भाई कोई भी दिक्कत परेशानी अगर कस्टमर को लगे तो क्या करना भाई, उसी टाइम भैया ब्लेड मार दो, आप बोलो भैया मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है भाई। देख लो भाई, इतनी बड़ी बात बोल दी तो भाई कुछ ही कारण से बोले, क्योंकि इतने स्पेशलाइज लोग बैठे हैं हमारे पास, तो ये देख सकते हो भाई अपने भाई, इसके अंदर कंट्रोल अपनी तरफ से ही है या Z4 में लगे हुए आते हैं? Z4 में लगे हुए आते हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो पियानो करवाना है पियानो भी करवा सकते हो, मैट करवाना है मैट भी करा सकते हो, मतलब दोनों चीज अवेलेबल है अपने पास, ठीक है भाई। और अपना सीट का रिस्पॉन्स चेक करवाया था भाई, एक बार सीट कवर का चेंज कर लो भैया, रिंकल फ्री एकदम रहने वाला है, रिंकल फ्री एकदम, उसमें उसके नई बात इसमें है थाई सपोर्ट भी अपना लगी है, जो कि भाई ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको भाई, ये देखो ये जो आप ऊपर दिख रहा है ना, ये थाई सपोर्ट दिया है भाई, कस्टमर की नीड थी, कस्टमर की नीड, इसीलिए भाई लॉन्ग ड्राइव में पैर में घुटने में दर्द हो जाता है। और ये देख सकते हो भाई, देखो रिंकल फ्री है आगे से पीछे तक भाई, हेडरेस्ट वगैरह देख सकते हो एकदम,
तो भाई संदेश भाई ये तो बहुत ही लाजवाब काम हुआ भाई। और नीचे अगर आते हैं अपनी ब्लैक कलर की, भाई ब्लैक कलर की मैट लगी है जो कि ऑटो फ्यूचर की रहने वाली है, 5 साल की गारंटी और वेलकम लाइट भी लगी जैसा कि आप देख सकते हो भाई। तो अपना भाई इसके अंदर फ्लोरिंग भैया नहीं करवाया, नीड नहीं है अपने पास, फ्लोरिंग अवेलेबल है। अगर फ्लोरिंग 70 मैट आप करवाते हो तो फ्लोरिंग कोई दिक्कत नहीं, करवाओ या ना करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क ज्यादा खाते पीते हो गाड़ी में या पानी उनी गिर जाते उसके लिए दिक्कत रहती है, उसके लिए दिक्कत रहती है। ठीक है भाई, तो भाई एक बात बताओ जरा मेरे को, इस गाड़ी का बजट क्या बैठा? इस गाड़ी का बजट भैया 1 लाख, 1 लाख बैठ गया क्योंकि Z4 था इसीलिए थोड़ा बजट वेरिएंट है, ज्यादातर काम हुआ है, ज्यादा इंटीरियर और एक्सटीरियर बस पेंट हुआ है, बस इसीलिए मतलब 1 लाख रुपए तक का बजट बैठ गया। हाँ जी भैया। तो भाई अपना ये सारा काम अपनी कहाँ पे होगा भाई, इतना मतलब कि प्रीमियम वाला काम बताना? अपना फेवरेट शॉप ऑटो ड्रीम कार एसोसिएट्स करोल बाग अब्दुल अजीज रोड, ऑटो ड्रीम कार एसोसिएट्स करोल बाग अब्दुल अजीज रोड पे होगा। और भाई अपनी अगर कोई वीडियो देख के आएगा, लाइक और कमेंट मार के आएगा, उसको क्या है भाई डिस्काउंट? एक्सप्लोर एडोनेक्स और मडफ्लैप फ्री मिलेगा, मडफ्लैप फ्री मिलेगा, कोई पैसे नहीं देंगे? कोई पैसे नहीं। ठीक है भाई, सोच लेना, अगर अब मांगना भी मत भाई। अरे भैया सोच लिए यार, सोच लिए आप, बेस्ट टू टॉप करवाओगे तब? बेस्ट टू टॉप करवाओगे, ऐसा नहीं यार छोटा इंटीरियर करवा लो, एक्सटीरियर करवा लो, बस अपने पास आता है तो 5 गाड़ी में से 3 तो इंटीरियर होना ही होना है, होना ही होना है, 2 भले ही ना हो लेकिन 3 तो होना ही होना है, 3 तो होना ही होना है। तो भाई ऐसा कुछ काम होगा। तो भाई वीडियो तो अभी खत्म नहीं करेंगे क्योंकि भाई अपन को कस्टमर का फीडबैक लेना है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो भाई कस्टमर क्या चलते तो कस्टमर है? का नंबर भी डाल देते भैया यूट्यूब से, आप उनसे पूछ के ही आओ उनका काम कैसा काम हुआ है, कैसा कैसे लगे। मार्केट में बहुत सारे बंदे से भैया जान कराते हैं भाई कैसा क्या है, कैसा क्या है। तो भाई फटाफट से अपन चलते कस्टमर के पास, फीडबैक ले लेते कैसा काम हुआ। तो भाई अपन कस्टमर के साथ जुड़ चुके हैं। सर आप कहाँ से आए थे? सर गुड़गांव। सर गुड़गांव से आए थे, सर कैसा लगा सर काम, एक बात बताओ सर? बहुत मतलब कि जितना आप सोच के आए थे उससे उम्मीद से तो बढ़िया ही हुआ है। बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाई हो सर? तो वही प्राइसिंग में या कुछ इशू लगा आपको? जो प्राइसिंग बताई थी वही प्राइसिंग है, वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना? ऑब्वियसली जो मेरे को चीजें नहीं करानी थी मैंने मेरा नहीं कराया, तो नहीं करवाया, मतलब कि हमने कोई फोर्स नहीं करा कि सर ये करवाओ ही करवाओ, रेकमेंड किया कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, बाकी फोर्स वाला काम नहीं था कुछ भी नहीं। तो सर मतलब कि अगर और हमारी वीडियो देखी है आपने, जैसे कि हमारी वीडियो देख के आए हो, तो आप किसी और को भी प्रेफर तो करोगे? बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, रेकमेंड करोगे, बोलूंगा कि यहाँ से काम कराएं, स्कॉर्पियो के तो ये लोग एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है इसीलिए। ठीक है सर, तो सर हमारे लिए थम्स अप है फिर काम? बिल्कुल 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 थम्स अप है सर। थैंक यू सर।